फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। फाइनली दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन में जो है iOS 17 को इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हो, यहाँ पे कैसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हूबहू सेम इंटरफेस है, कोई भी चेंज दोस्तों यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मुझे एक बात दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लगा है इस वाला अपडेट में, बिल्कुल ही दोस्तों ज़्यादा कुछ नए वाले फीचर्स नहीं आए हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं। आपको ये वाला वीडियो जो है देखना चाहिए। इसके साथ साथ इसका बैटरी लाइफ क्या है और परफॉर्मेंस वाइज क्या कुछ यहाँ से आया हुआ है, मैं आपको सब कुछ डिटेल्ड इस वाले वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स में जो है आप जब यहाँ से कलेक्शन पे जाते हो एंड आपको जो है यहाँ पे कुछ नए वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। iOS 17 का वॉलपेपर कुछ इस टाइप का है। एंड एक बात जो है अच्छा लगा, कम से कम एप्पल ने जो है यहाँ से ये आपको दे दिया, जब आप डार्क मोड को ऑन करते हो तो फिर इसका जो है विजन चेंज होता है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पे मैं दोस्तों लाइव आपको दिखा देता हूँ, या फिर यहाँ से फिर से कोई बग आ चुका है। ठीक है, ये देख लो, यहाँ से कुछ इस टाइप का कलर है एंड मैं जो डार्क मोड को ऑन करता हूँ कुछ इस टाइप का आ जाता है। इसके साथ साथ आपको वॉलपेपर्स देखने को भी मिल जाते हैं यहाँ से। दोस्तों ये है कुछ नए वाले वॉलपेपर्स। जो कि आपको पहले से डाउनलोडेड होता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। एंड आपको यहाँ पे एक अर्थ वाला जो है नया मार्स वाला आई थिंक वॉलपेपर मिल गया है, देख सकते हो यहाँ से आप। ये मार्स वॉलपेपर भी आपको नया वाला मिल जाएगा, आप इसे जो यूज़ कर पाओगे जब आपके लिए स्टेबल वर्जन आ जाएगा। नेक्स्ट वाले फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है एंड यहाँ पे एक स्टैंड बाय मोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। स्टैंड बाय मोड को जब आप ऑन करते हो, मैं भी ये जो है 14 प्रो 14 प्रो मैक्स इन वाले डिवाइसेस में चलता है। बेसिकली इसका काम क्या है, जब आप जो है अपने फ़ोन को ऑफ करते हो एंड यहाँ पर लैंडस्केप मोड पर रखते हो तो फिर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले फीचर्स जैसा जो है ये वाला है। ठीक है, एंड दोस्तों थर्ड फीचर की अगर मैं बात करूँ तो फिर वो कैमरा से रिलेटेड है। कैमरा से रिलेटेड, जब आप कैमरा पे जाते हो आपको एक फॉर्मेट्स वाला न्यू सेटिंग मिलता है एंड यूज वॉल्यूम फॉर बूस्ट, ये कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेबल का ऑप्शन मिलता है, कुछ इस टाइप का आपको जो यहाँ से फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद जो है मेन यहाँ पे चेंज हुआ है डायलर ऑप्शन में, यहाँ पे ये जो है फ्रंट डायलर में कोई यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ से जाते हो सपोर्ट किसी भी कॉन्टैक्ट के, आप जब यहाँ से क्लिक करते हो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है देखने को मिल जाता है आपको। एंड सिंपली आप जब यहाँ से किसी को भी कॉल करने लगते हो, ठीक है, ये देख, जब आप किसी को कॉल करते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों कुछ डायलर में ये कुछ चेंजेस था एंड यहाँ पे नए और कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको एक एफेक्ट्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जब आप यहाँ पे इंस्टाग्राम में, आई थिंक पोर्ट्रेट मोड ऑन हो जाएगा जब आप ऑन करोगे यहाँ से इंस्टाग्राम को। एंड यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल सेंटर पे ये वाला बस जो है आइकॉन चेंज हुआ देखने को मिलने वाला है, और कुछ यहाँ पे जो है नया वाला चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, एप्पल इतना सा बेकार सा अपडेट दे दिया है। हो सकता था या वो ये कुछ 16.6 या फिर 16.7 भी निकाल के दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया दोस्तों। ये वाला जो है चीज़ मुझे थोड़ा सा बुरा लगा एप्पल का। यहाँ पे कोई भी नया और ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं इस वाले अपडेट में। ठीक है, एंड दोस्तों अब मैं बग्स के बारे में अगर बात करता हूँ, दोस्तों कैमरा का पोजीशन थोड़ा बहुत बिगड़ रहा है, आप प्लीज़ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, एंड यहाँ पे दोस्तों मैं बग्स की अगर बात करता हूँ, बग्स यहाँ पे मेरे फ़ोन में नेटवर्क से रिलेटेड और बैटरी से रिलेटेड थोड़े कुछ ज़्यादा ही बग्स मैं फेस कर रहा हूँ। सो मैं डिसाइड किया हूँ अभी इस वाले फ़ोन को डाउनग्रेड कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है अभी ठीक टाइम नहीं है इस वाले अपडेट को यूज़ करने के लिए।
ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड, कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो है मुझे साफ साफ यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड बग्स देखने को मिलता है, एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत यहाँ पर सॉरी परफॉर्मेंस डिलीवर आई थिंक थोड़ा 1% जो है स्लो हो गया है। जैसा कोई कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा तो स्लो हो गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अभी जो है iOS 17 से रिलेटेड भी वीडियोस लाता रहूँगा। बाय।